तमिलनाडु में बिहारियों को पीटे जाने के फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया जा चुका है। आर्थिक अपराध इकाई रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन मनीष कश्यप के बारे में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अगर आरोप में सच्चाई हुई तो मनीष कश्यप पर हत्या का केस भी दर्ज हो सकता है। मनीष कश्यप के खिलाफ बेतिया के एक वीडियो को आधार बनाया गया है। इस वीडियो में मनीष कश्यप और उसके दो दोस्तों ने महात्मा गांधी की मौत पर जश्न मनाने की बात कही थी। आर्थिक अपराध इकाई को आवेदन देने वाले निशांत वर्मा ने ये बताया है कि मनीष कश्यप और उसके दोस्तों द्वारा वीडियो में दो लोगों की हत्या की बात को स्वीकार किया जा रहा है। इस मामले में केस दर्ज हो, अगर पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर जांच की और मनीष कश्यप दोषी पाया गया तो उस पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। बता दें, मनीष कश्यप इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार मनीष कश्यप के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। मनीष कश्यप पर एक गंभीर आरोप ये है कि उसने पटना के बंगाली टोले में दो लोगों से घायल होने का नाटक कराया और वीडियो बनवाया। 6 मार्च को बनाए गए इस वीडियो में दोनों को तमिलनाडु में हिंसा का शिकार बताया गया। मनीष कश्यप ने इसी महीने यानी 8 मार्च को इस वीडियो को अपने एक साथी के यूट्यूब से पोस्ट करवाया और फिर उसे खुद शेयर किया। इस वीडियो पर एक मोबाइल नंबर देकर मनीष ने दावा किया था कि ये लोग तमिलनाडु में हिंसा का शिकार हुए हैं। पुलिस ने जब मोबाइल नंबर ट्रैक किया तो पता चला कि वो बिहारी मजदूर नहीं बल्कि छोटे छोटे यूट्यूबर हैं। इस मामले में मनीष कश्यप, वीडियो बनाने वाले और दोनों एक्टिंग करने वालों यानी कुल चारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यही नहीं, मनीष कश्यप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात सामने आई है और इसमें पटना के कई कोचिंग संस्थानों के नाम भी सामने आ रहे हैं। मनीष कश्यप के साथ खान सर के अच्छे संबंध बताए जाते हैं। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। हालांकि खान सर ने मनीष कश्यप से नजदीकी को नकार दिया है। दरअसल पिछले साल मनीष ने कंपनी को 6 लाख का घाटा दिखाया है, जबकि उन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस साल कंपनी के खाते से करीब 42 लाख रुपए निकाले हैं। मनीष कश्यप अपने स्टाफ को 8 से 12 हजार रुपए सैलरी देता है, लेकिन हर साल उसके स्टाफ के खाते में 10 से 12 लाख का ट्रांजैक्शन देखा गया है। मनीष कश्यप पर यह आरोप है कि अपने YouTube पर कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन न चलाकर पेड इंटरव्यू और पेड न्यूज चलाता था। बिहार पुलिस खान सर की कोचिंग के प्रमोशन में मनीष कश्यप की भूमिका की भी जांच कर रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।